हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्यूटी एंड हेल्थ स्टूडियो चैनल में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको एक नेचुरल डीआईवाई बना के दिखाने वाली हूँ, और ये जो डीआईवाई है वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए में रेडी होगा, लेकिन उससे आपका जो फेस है वो इतना ज़्यादा ग्लो करेगा कि नेक्स्ट टाइम आप ये अपने जो है घर में ही करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, पार्लर जाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो वो जो डीआईवाई है 5 रुपए में मैं आपको रेडी करके दिखाने वाली हूँ अभी। और ट्रस्ट मी गाइज वो इतना अच्छा फेस पैक है ना कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी में अचानक से जाना पड़ जाए और आपका फेस थोड़ा डल लग रहा है आपको, तो आप जो है सिर्फ उसे फर्स्ट एंड सेकंड डे ही ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा जो आपका फेस है वो इतना ग्लोइंग सा नज़र आएगा। और होता क्या है ना कि हम कहीं अचानक से कभी कभी ऐसे हमें कहीं जाना पड़ जाता है, फिर हमें होता है ना कि हम कौन सा ऐसा क्या कर लें जो है, फिर हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। बट ये फेस पैक आप ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा कि इसके रिजल्ट कैसे रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं कि बनाना कैसे है, साथ ही साथ इसे एक डेमो करके दिखाते हैं और आपको लाइव रिजल्ट दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज़। यहाँ पे मैंने लिया है, ये है मलाई। विंटर सीज़न आ गया है इसलिए यहाँ पे मैंने मलाई का यूज़ किया हुआ है। और अब आपको क्या करना है, इस मलाई में हमें ऐड करना है ये थोड़ा सा ब्राउन शुगर, ठीक है। देन आपको ये जो 2 रुपीज़ में कॉफ़ी का पैकेट आता है ना, ये पूरा पैकेट इसमें हमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमें पूरी जो है तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और एक फेस पैक सा तैयार करना है, जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ये मेरा जो फेस पैक है ना वो रेडी हो गया है, और ये इंस्टेंट फेस पैक है, तुरंत आप रेडी कर सकते हैं आपको कहीं जाना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है, मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद तो गाइस इसको लगाने के लिए मैंने जो अपना हेयर है ना वो अच्छे से देखिए फोल्ड कर लिया है, और उसके बाद एज ए हमें फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से लगाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको लगाने से पहले मेरा फेस पूरा क्लीन था, मैंने अपने फेस में कुछ भी ऐड नहीं किया था, कोई मेकअप नहीं था, क्योंकि अगर आपके फेस पर मेकअप होगा तो जो है इसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको अच्छे से अपना फेस पहले क्लीन कर लेना है, फिर ही इसे लगाना है। आप इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट मुझे फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगता है फेस पैक लगाना। इससे क्या होता है, अच्छे से फेस पैक पूरे में लग जाता है। जब भी आप फेस पैक लगाएं ना तो नेक एरिया में लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि आपका फेस थोड़ा सा क्लीन और ग्लोइंग सा नज़र आता है, और जो आपका नेक है ना वो बहुत ज़्यादा डल लगने लगता है ना, तो बहुत अजीब लगता है। जब आप फिर ड्रेस पहन के जाते हो ना तो आपका फेस जो है फेस का कलर अलग लगता है और आपका नेक का कलर अलग लगता है। तो जब भी आप फेस पैक लगाएं तो आप जो है कवर नेक को भी कवर करें उसमें फेस पैक के साथ में। तो ये देखिए अच्छे से लग गया, अब हम वेट करेंगे इसके सूखने का। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से सूख गया, आपके फिंगर में भी जैसे नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कड़ा, तो मैं यहाँ पे अपने फेस को आपको क्लीन करके लाइव दिखाऊंगी। और मैं जो है यूज़ कर रही हूँ कड़ा बिल्स का वाइप्स, क्योंकि ये वाटरी है, इसमें कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं है फेस के लिए। तो मैं यहाँ अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस है वो कितना क्लीन नज़र आ रहा है, और अभी आपके सामने इसीलिए क्लीन कर रही हूँ ताकि बाद में ये ना हो, इसीलिए मैंने अभी वीडियो को एक बार भी स्किप नहीं किया। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसके रिज़ल्ट। अब देखिए जहाँ जहाँ बिल्कुल मतलब आपको फेस समझ में आ रहा हो ना, जहाँ से अच्छे से क्लीन हुआ है देखिए वो फेस कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो
अच्छे से क्लीन करके आपसे मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से अपना फेस क्लीन कर लिया है। अब आप लोग खुद देख के बताइए मुझे कि मेरा जो फेस है वो शाइन कर रहा है या नहीं। और अभी भी आपको कंटिन्यूअस इसे क्लीन करके ही दिखा रही हूँ, वरना आप लोग को लगेगा कि हो सकता है कुछ लगा ली हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी भी क्लीन ही कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब आप मेरा फेस देखो और आपको फर्क नज़र आएगा। बिल्कुल देखिए, जो मेरी गाल है देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ना ग्लोई ग्लोई सा बिल्कुल, और कितने सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं आप देखो, कितना सॉफ्ट, मतलब जैसे बेबी की स्किन होती ना कुछ कुछ वैसे टच करने में लग रहा है। और जब आप इसके ऊपर मेकअप करेंगे तो आप सोचिए फिर आपकी जो स्किन है वो कितना ब्राइट और कितना ग्लोइंग सा नज़र आएगा। तो जो है ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोग ट्राई करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये नेचुरल DIY। आई होप गाइज आपको ये बहुत पसंद आया होगा मेरा नेचुरल DIY, और इसके जो रिज़ल्ट है वो आपको इंस्टेंट देखने को मैंने इसीलिए लाइव दिखाया ताकि आप लोगों को फील हो कि जो इसके रिज़ल्ट हैं वो तुरंत ही लाइव आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छा है, कॉफ़ी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्राउन शुगर भी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर समर सीज़न चल रहा है तो आप इसमें कर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी विंटर सीज़न आ गया है तो विंटर सीज़न के लिए बेस्ट फेस पैक है ये हमारी स्किन को ग्लो बनाने के लिए। स्पेशली ये हमारी स्किन को क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग सी स्किन हमारी बनाती है, तो इस वजह से इसमें मैंने जो है ऐड किया था मलाई, जो क्योंकि मलाई विंटर सीजन के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो ट्राई करिएगा, ट्राई करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये फेस पैक। मिलेंगे आपसे ऐसी अच्छी अच्छी नई नेचुरल DIY के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।